एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज. अब ये मैक्सिमम रेंज क्या होती है? मैक्सिमम रेंज है, सपोज करो हमने एक बॉल को फेंकना है और ग्राउंड पे फेंकना है प्रोजेक्टाइल की तरह, थीटा एंगल पे फेंकना है और ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल चलेगी, ग्राउंड पे जाके गिरेगी. मैंने सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया और सबको कहा कि आप वेलोसिटी की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड रखेंगे बस, और आपको उस प्रोजेक्टाइल को दूर से दूर गिरना है ग्राउंड के ऊपर. आप कहेंगे सर दूर गिरने के लिए तो वेलोसिटी बढ़ा देंगे. हाँ, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं फिर तो जितनी मर्जी दूर फेंको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आप वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते मान लें, और आपको ग्राउंड का डिस्टेंस क्या कवर करना है? मैक्सिमम. ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप एंगल चेंज कर सकते हैं. कैसे? मान लो एक स्टूडेंट आया, पहला स्टूडेंट, उसने क्या किया, उसने 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को घेरा. कैसे घेर दिया? ये ली बॉल, ऊपर घेर दिया. अरे गिरना कहां पर था? सामने, क्योंकि कंपटीशन था ग्राउंड कवरेज का. जैसे वो नीरज चोपड़ा, वो गिरता है क्या जैवलिन, ठीक है, तो स्टाइल देखा करो, 45 डिग्री पे फेंकता है, दिखाता हूं कैसे. ठीक, तो उसमें क्या बेसिकली उसने क्या किया, अगर सोचो जैवलिन ऐसे फेंक के बैठ जाएगा पर तो यहीं गिर जाएगा, और कंपटीशन क्या है? ग्राउंड में कवर करने का. यानी कि आप 90 डिग्री पे अगर आप गिरते हैं जेवलियन को, फिर तो गिर गया, फिर तो ग्राउंड कवरेज कुछ नहीं है, आपके पैर पे गिरेगा. चलो आपको ये समझ में आ गया भाई 90 में नहीं गिरना, आपने कहा एक काम करते हैं 70 पे गिरते हैं, आपने टेढ़ा कर दिया. अब होगा क्या, 70 पे गया थोड़ा दूर जाके गिर गया, तो ग्राउंड कवरेज ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि आपने हाइट ज़्यादा कवर करवा दी, सारी एनर्जी तो हाइट में लगा दी, ग्राउंड कवरेज फिर कम है. अच्छा आपको समझ में आया, एक काम करते हैं एंगल और छोटा करते हैं 60. तो जब 60 पे किया थोड़ा सा और दूर जाके गिरा, 50 पे किया और दूर जाके गिरा, आपको समझ में आ गया. अगर एंगल छोटा है तो समझो फिर तो दूर गिरेगा ही गिरेगा. आपने एंगल क्या कर दिया? जीरो. आपका ग्राउंड है, ये रहा जेवलियन, यहीं गिर गया वो, तो जीरो का मतलब ग्राउंड से टच किया आपने, कुछ किया ही नहीं, या 1 डिग्री यहीं टच हो गया. यानी कि एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो भी वो ग्राउंड पर लग जाएगा, बहुत बड़ा होगा तो भी ग्राउंड कवरेज कम होगी. तो एंगल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा. तो मैं ये क्या चाहता हूं, विदाउट इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हुए मैं उस ऑब्जेक्ट को दूर से दूर गिरना चाहता हूं बाय एडजस्टिंग द एंगल. तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² sin 2θ/g. मुझे रेंज को क्या करना है? मैक्सिमम. तो आप एंगल ऐसा चूज करें कि आपकी साइन ऑफ ये एंगल की वैल्यू मैक्सिमम आए, और साइन ऑफ ये एंगल मैक्सिमम मैथ्स के अकॉर्डिंगली साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना रखता है? 1. साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, मतलब एंगल पुट करने के बाद. तो इसकी 1 से ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती. तो मान लो अगर मैं इसको 1 पुट करता हूं तो रेंज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. और 1 कब आएगा? जब ये एंगल क्या होगा? थीटा 45, क्योंकि इसको 1 रखना है तो थीटा को क्या रखना पड़ेगा? 45. तो 2 × 45 इज 90, साइन 90 इज 1. तो ये स्टैंडर्ड रूल है. अगर आपको किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूरी पे गिरना है, ग्राउंड कवरेज मैक्सिमम करनी है, तो आपने उस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंकना है? 45. तो इसीलिए जो जेवलिन फेंकते हैं तो क्या करते हैं? भागते हुए आते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या हो? मैक्सिमम. फुल एनर्जी से फेंकते हैं. और कैसे फेंकते हैं? फेंक के चाहे खुद नीचे गिर जाते हैं लेकिन प्रोजेक्शन इस तरीके से जाती है एट एन एंगल ऑफ 45, क्योंकि अगर एंगल चेंज हो गया तो प्रोजेक्टाइल दूर कम दूर गिरेगा. सारी गेम एनर्जी की तो है ही है, साथ में एंगल की भी है. क्लियर है यहां तक? लॉन्ग जंप जितने लोग करते हैं वो बहुत हाइट पे नहीं करते, बहुत लो हाइट पे नहीं करते, वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन करते हैं ताकि मैक्सिमम दूर गिर सके. अगर आपको अगर आप देखें मिसाइल चलानी है तो मिसाइल जो है उसकी रेंज अगर 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर पे वो उसकी दूरी है, तो वो क्या होता है? वो 45 डिग्री पे टेस्टेड होती है, 45 डिग्री पे वो 2000 किलोमीटर कवर कर जाती है, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएगी. आप कहोगे मुझे 1000 पे हिट करवाना है, कोई बात नहीं, आप एंगल बड़ा कर दो, बड़ा करोगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी. तो एंगल एडजस्ट करके टारगेट्स को सेट किया जा सकता है. पर हाँ, मैक्सिमम रेंज अगर 45 डिग्री पे मिसाइल चली फिर वो 2000 ही कवर करेगी. तो यानी कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ग्राउंड के साथ? 45. ये याद रखना है. साथ में ये भी लिख लें कि अगर ये एंगल 45 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला साथ में लिख लें. दिस विल कम आउट टू बी v² / g, ये लिख लें, क्योंकि 1 हो जाएगा. दिस इज द आंसर फॉर मैक्सिमम रेंज.